हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास सिक्स आरएस ओवरऑल का मैथ का चैप्टर थ्री का यानी इंटीजर्स का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में है नंबर वन का टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये तो ऑप्शन वाला है तो मैं फिर भी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला है नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन माइनस टेन और थ्री के बीच में कितने इंटीजर होंगे। तो माइनस टेन और थ्री के बीच में, तो चलिए मैं करके दिखा। तो माइनस टेन, माइनस नाइन, फिर इसका शॉर्ट में भी बताऊंगा कैसे करेंगे। और माइनस एट, माइनस सेवन, माइनस सिक्स, उसके बाद है माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, उसके बाद है माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। इसके बीच में ये लेना है, तो इसका मतलब ये और ये इसके बीच में बोला है। तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, ट्वेल्व, है ना। तो देखिए ट्वेल्व हुआ है ना। फिर से एक बार गिन के दिखाता हूँ, मतलब इसके बीच में बोला था ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अलेवन, ट्वेल्व, हम लोग का ट्वेल्व आंसर था। तो पहला का हो जाएगा थ्री। ये तो ऐसे बताए, लेकिन आप सोच रहे हैं इतना अगर ज़्यादा लंबा दे देंगे तो कैसे बनाएंगे। तो मैं देख लीजिए, जिसका भी निकालना है ना, तो ई माइनस ई कर देंगे, है ना, तो आराम से निकल जाएगा। मतलब ग्रेटर देन माइनस लेस देन, थ्री माइनस माइनस टेन, है ना। और इसमें जो है एक और सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों एक इसलिए सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें जैसे ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, इसमें ये सबट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये वाला नंबर तो घट जाता है, ये वाला नंबर रह जाता है, इसलिए एक और सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस टेन, और माइनस वन है, टेन प्लस थ्री, टेन प्लस थ्री थर्टीन, और माइनस वन है तो होगा ट्वेल्व। तो इसमें भी ट्वेल्व था, है ना। ये लॉजिक, ये तो लॉजिकल बताया, और ये ऐसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कैसे होता है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस टेन फ्रॉम माइनस एलेवन, है ना, माइनस एलेवन में माइनस टेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो माइनस एलेवन माइनस इंटू माइनस प्लस टेन, टेन है एलेवन देना है तो माइनस वन होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो पहले में था माइनस वन, तो बी का हो जाएगा क्या फर्स्ट। अगला है स्क्वायर ऑफ टू, स्क्वायर ऑफ टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम क्यूब ऑफ माइनस वन। तो क्यूब मतलब थ्री माइनस करेंगे स्क्वायर ऑफ टू, टू का स्क्वायर, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। तो वन का कितनों भी स्क्वायर करें तो वन होगा, और माइनस का स्क्वायर, माइनस का पावर ओड होगा तो माइनस होगा, है ना। और या माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो माइनस वन और माइनस फोर तो हो जाएगा माइनस फाइव। ऑप्शन में देख लेते हैं, थर्ड में था, तो सी का हो जाएगा तीसरा। अगला देख लेते हैं, माइनस सेवन का ये मोड है दोस्तों, है ना, और ये ब्रैकेट है, फिर ये मोड है। मोड मतलब ना ही प्लस ना ही माइनस, तो सेवन का मोड मतलब ना ही प्लस ना ही माइनस, तो सेवन हो जाएगा। लेकिन ये तो ब्रैकेट है, तो यहाँ फिर ऐसा होगा प्लस इंटू माइनस माइनस सिक्स, ये फिर मोड है तो यहाँ भी प्लस सेवन, थ्री सेवन प्लस थ्री टेन, और माइनस सिक्स है तो हो जाएगा फोर। ऑप्शन में देख लेते हैं, सेकेंड में था, तो डी नंबर का सेकेंड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई टू द राइट साइड ऑफ 61। 61 के राइट साइड कौन नहीं है, जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ। हम लोग जानते हैं जैसे जीरो है इधर कहीं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और यहाँ कहीं ना कहीं माइनस 61 भी होगा, और इधर प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, कहीं ना कहीं इधर प्लस 61 भी होगा। अब देखिए, इससे जो छोटा है, इससे जो छोटा हो इसके लेफ्ट में होगा, और इससे जो बड़ा होगा वो राइट में होगा। तो हमको क्या निकलना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द राइट, राइट में कौन नहीं है, है ना, कौन नहीं है। तो ये देख लो, ये तो इससे बड़ा है, क्योंकि अब हम बताए 61 और 10 में 61 बड़ा है, लेकिन माइनस 10 माइनस 61 में बड़ा वाला छोटा होता है। तो ये तो राइट में है, ये नहीं होगा ऑप्शन में, क्योंकि राइट में कौन नहीं है वो चेक करना। ये है 18 भी इससे बड़ा है, तो 18 भी राइट में है, 61 से 49 भी बड़ा है, तो ये भी राइट में है, 73 दोस्तों और इधर जाएंगे तो यहाँ 73 मिलेगा,
ये लेफ्ट में है ना, तो यही होगा आंसर। तो हम लोग का कितना ई नंबर का हो गया कितना 4। समझ में आया? आगे बता रहे हैं, यहाँ ऑप्शन हमको टिक मारना था लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन करके दिखाया, अभी तक ए का बता रहा था, अब बता रहे हैं बी का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बी नंबर का आंसर देना ए नंबर। राइट एनी टू इंटीजर लेस देन कितना है -101। बोल रहा है इससे न छोटा लिखना है, तो इससे छोटा कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, ढेरी है। -102, -103, -105, इतना जितना जाएंगे सब उधर इससे क्या होगा, छोटा ही होगा, है ना? समझ में आया? नेक्स्ट है बी नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना। अभी बताइए मोड का साइन है -30, फिर -7 और फिर यहाँ मोड का साइन है, तो इसको कैलकुलेशन करना है। तो अभी मोड रहने देते हैं, -30 -7। तो यहाँ देखिए 7 हैं, 30 देना है तो -23, और हम बताए मोड मतलब ना ही प्लस ना ही माइनस, जिससे हम मोड हटाएंगे तो 23 आंसर होगा। देखिए कैलकुलेशन करके दिखाना आपको। सी नंबर, विच इंटीजर एडेड टू -4 विल गिव द इंटीजर 5। मतलब 4 में, यहाँ बोल रहा है -4 में क्या ऐड करेंगे जो हम लोग को 5 मिलेगा, इसमें क्या ऐड करेंगे जो ये मिलेगा। ऐसे सोचो, अगर नॉर्मल अगर आता 4 में क्या ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, तो आप सोचो यहाँ 1 हुआ ऐड करेंगे कैसे, तो 4 ये माइनस ये करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ये माइनस ये, तो इसमें भी वही करेंगे 5 -4, तो 5 -, प्लस, तो 4 प्लस 5 9, तो -4 में 9 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, जिसका आंसर होगा 9। ऐसे आपको इजी वाला सोचना और हार्ड वाला बनाना। सी नंबर बता रहा हूँ, सी बता दिए, डी बता रहा हूँ। सिंप्लीफाई एंड राइट द अपोजिट ऑफ, इसका सिंप्लीफाई करना है, इसका अपोजिट लिखना है। -3 है, 5 है और -1 है, तो 5 3 जा 15, 1 जा 15 होगा, ये -(+-), फिर यहाँ से यहाँ माइनस हो गया, -(-), तो प्लस हो गया। अब इसका हम लोग अपोजिट लिखना है, तो 15 का अपोजिट क्या होगा, -15 होगा। उसके बाद ई नंबर बता रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इन कहते हैं निगेटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर जो होता है ना -1 होता है, और बोला है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो +1 होता है, है ना? और दोनों का सम निकालना है, -1 और +1 करेंगे तो 1 by 1 करेंगे तो 0 होगा। नेक्स्ट है इंडिकेट यूजिंग इंटीजर, इंटीजर का यूज करके ये बताना है। तो यहाँ है ए में 200 BC, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह से जन्म से पहले, इसका मतलब हम लोग इसको बोलते हैं ना ईस्वी, बिफोर ईस्वी, तो ये हो जाएगा -200 इंटीजर में चेंज करेंगे तो 5 degrees Celsius बिलो 0, 0 से कम तो -5। सी नंबर में विन मतलब जीतना होता है by 3 goal, तो जीते हैं तो +3। डी नंबर में 40 kilometers एबव द सी लिमिटर, सी लेवल से ऊपर तो +40, है ना? आगे बता रहे। अगला है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका अपोजिट इंडिया वॉन द मैच by 3 wickets, मैंने इंडिया मैच को जीता 3 wickets से, 3 का इसका तो लिखने का मन नहीं कर रहा, वॉन का हो जाएगा लूज, है ना, LOST, तो यहाँ सिर्फ लिख देंगे इंडिया लॉस द 3 match by 3 wickets, इंडिया यहाँ वॉन के जगह, वॉन मतलब जीतना होता है, लॉस्ट मतलब हारना होता है, तो इंडिया हारेगा नहीं वैसे, अब मजबूरी में बनाना पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ रहा है, तो इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 3 wickets। नेक्स्ट है बी नंबर इसका, मोहन विदड्रॉ 2500 फ्रॉम द हिज बैंक, मतलब इतने बैंक से विदड्रॉ मतलब निकाला, निकाला का जमा करना, जमा का होना होता है डिपॉजिट, तो DEPOSITED, तो यहाँ सिर्फ विदड्रॉ के तरह डिपॉजिट लिख देंगे, है ना, जैसे मोहन डिपॉजिट 2500 फ्रॉम हिज बैंक। नंबर 4,
राइट थ्री इंटीजर विच आर, जो थ्री इंटीजर लिखना स्मॉलर देन माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन। दोस्तों माइनस फिफ्टीन का छोटा करोड़ों है, कुछ भी लिख दीजिए, माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी माइनस फोर्टी, इससे उधर जितना जाएंगे ना सब करोड़ों है, ग्रेटर देन इतना, तो जीरो भी लिख सकते हैं, वन फाइव, क्योंकि माइनस से बड़ा ही सारा है इसमें, तो अनगिनत आंसर होगा, कोई एकदम मतलब कह ही नहीं सकते हैं क्या होगा। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसमें कुछ भी लिख दो, हाँ कुछ भी लिख दोगे मतलब इससे छोटा मत लिख देना या इससे बड़ा मत लिख देना, जैसा बोला वैसा लिखना है ना। अगर यहाँ माइनस फिफ्टीन बोला, माइनस कोई ट्वेंटी फोर लिख देगा, ट्वेंटी फाइव से ट्वेंटी फोर लिख दो तो गलत हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव से छोटा जो भी मिले आपको। असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले इसको मैं उतार लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए कैसे बनाएंगे। थर्टीन और माइनस सेवन माइनस नाइन्टी सिक्स और माइनस फोर्टी एट, कितना सारा दिया। एसेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा तो अभी हम लोग पहले माइनस सब छोटा होगा, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये और ये है ना, प्लस वाला तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि वो बड़ा होगा माइनस वाला से। इसमें जो सबसे बड़ा, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है ना वो सबसे छोटा वैल्यू होता है, तो सबसे छोटा इसका मतलब यही है, माइनस 104 ख़त्म। इसके तीनों में से ये माइनस 96, ये भी ख़त्म। अब ये माइनस 69, ये भी ख़त्म। माइनस 48, ये भी ख़त्म। अब आते हैं, और सेवन भी है, माइनस सेवन लिख दिए, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब आते हैं प्लस में, यहाँ फाइव है, थर्टीन है, ये तो नॉर्मल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फाइव होगा उसके बाद थर्टीन होगा उसके बाद फोर्टी एट। ध्यान रखना प्लस वाला सीधा ऐसे बढ़ते जाता है ना, माइनस वाला जो है ना सबसे बड़ा सबसे छोटा वैल्यू देता है। उसके बाद बताएंगे सिक्स नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑन द नंबर लाइन, इसका वैल्यू निकलना है नंबर लाइन में। तो यहाँ देख लो नंबर लाइन अब खींचना पड़ेगा, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब देखिए माइनस थ्री में है पहले, तो माइनस थ्री में यहाँ है, फाइव प्लस मतलब इधर जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ आ गया, फिर माइनस सेवन बोल रहा है, अब पीछे जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, आंसर हो जाएगा सिक्स का ए का कितना आया आंसर, माइनस फाइव होगा है ना। ऐसे तो बनाए नंबर लाइन में, लेकिन नॉर्मल बनाएंगे तो वो कितना होगा वो भी देखते हैं, वो भी बना देता हूँ। माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस सेवन, तो ये प्लस है फाइव, इसके आगे प्लस है, तो फाइव सेवन प्लस थ्री माइनस टेन, और फाइव हैं माइनस टेन देना है तो होगा माइनस फाइव, इसमें भी वही आया था। अगला बता रहा हूँ, इसको भी इसी में बता देते हैं तो फिर करना पड़ेगा, इसको मैं रेड चला देता हूँ। तो एट में है, एट मतलब यहाँ है, प्लस माइनस सिक्स, माइनस सिक्स मतलब पीछे जाना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ आ गए, फिर माइनस टू जाना, वन टू, तो जीरो में आ गए, तो बी नंबर का हो जाएगा जीरो। आप सोचिए इसका भी सोचिए कैलकुलेशन लिखा देता हूँ मैं, यहाँ देख लो, एट प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस टू, एट प्लस इंटू माइनस माइनस सिक्स प्लस इंटू माइनस माइनस टू, एट ये भी माइनस, तो माइनस एट, एट में एट सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो। ये तो सो कैलकुलेशन है, और ये नंबर लाइन में बताए दोनों बता रहा हूँ। उसके बाद अगला है सेवन नंबर में, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ये नंबर, माइनस 400 प्लस 781 प्लस माइनस 1400 प्लस माइनस 81 प्लस 300 है ना, इस तरह से है। तो ये हम लोग को क्या करना, सिंपलीफाई करना। तो पहले हम लोग प्लस वाला को एक जगह ऐड कर लेते हैं, माइनस वाला को एक जगह भी कर सकते हैं। तो प्लस हम लोग का ये है और ये है, 781 प्लस 30, इसको एक जगह कर लेते हैं माइनस, और ये सब भी एक जगह कर लेते हैं, 400 प्लस इतना प्लस 81। आप सोचिए ये सब को माइनस क्या हुआ, माइनस यहाँ लिख दिए हैं सबको कंबाइन करके, 1 प्लस 0 1
सेवन जी 8 + 0 8, 7 + 3 10, और यहाँ हो जाएगा 1 + 0 + 0 तो 1, 8 + 0 + 0 तो 8, उसके बाद ये ख़त्म, 4 + 4 8 और 1। अब यहाँ देखिए 1081 हैं, 8 उसका 1800 कुछ घट रहा, तो हम लोग इसमें तो ये घटेगा नहीं, तो 1 में 1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 8 में 8 0, 8 में 0 तो 8। अब ये देखिए छोटा वाला है, बड़ा वाला घट रहा है तो माइनस लगेगा, तो माइनस लगाना पड़ेगा। इसका अगला बता रहा है बी नंबर, -273 + -581 + 900 + -511। इसमें जो प्लस एक ही है तो ये लिख लेता हूँ 900, और यहाँ माइनस करके ये सारा को कंबाइन कर लेते हैं, 273 + 541 + 511। एक्चुअल में इसका सारा का माइनस यहाँ लिखे हैं कंबाइन करके, ताकि देख लेना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 1 + 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 + 3 5, उसके बाद 7 + 1 8 + 4 12 का 2 carry 1, 5 5 10, 2 12 और 1 13, और इधर था 900। अब 900 है, इतना घटना थी, इसमें से ये घटेगा नहीं, इसमें से घटा लेते 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 2 में 0 तो 2, 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। अब छोटा वाला है, बड़ा वाला घट रहा है तो माइनस। नेक्स्ट है 8 नंबर, सब्ट्रैक्ट करना है 9 from 0, तो 0 में -9 सब्ट्रैक्ट करना, तो 0 - -+ 9 + 0 हो जाएगा 9 आंसर। इसका बी, ये फ्रॉम इतना तो -115, फ्रॉम कितना 115, -115 - +115 तो इतना पल माइनस में इतना प्लस में, तो आंसर आएगा इसमें भी 0। अगला है 9 नंबर, फाइंड द वैल्यू, ए नंबर का निकलना, -11, तो -6 पहले इंटू है, ब्रैकेट को वर्क करेंगे, 9 + (-11), तो -6 × देखिए 9 है, 11 घटेगा तो -2, 6 × 2 = 12, -(-), नहीं लिखते हैं तो हो जाएगा हम लोग का 12। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, प्लस है। बी नंबर, 325 × -60 = 641 + 325 × -359। इसमें देखिए ये 325 दोनों में था, इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि अच्छा रहे। अब यहाँ है -61 641, और यहाँ -359, इसमें हम 325 × 9 + 1 10 + 0 carry 1, 5 + 1 6 + 4 10 + 0 carry 1, 6 + 3 9 1 10 + 0 carry 1, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा 325, 1 2 3 3 0 हम लोग बैठा देते हैं, और प्लस इंटू माइनस माइनस, बिना मल्टीप्लाई किए आ गया। लेकिन आप इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में कुछ आंसर आता, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में कुछ, दोनों को जोड़ते तो यही आता, लेकिन इसमें बिना मल्टीप्लाई किए बचा लिए आपको। अच्छा, ये मेथड आपको सीखना है, कम्यूटेटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसके बाद कितना लग रहा है, ये आप सीख रहे हैं। 9 का सी में 5 का पावर 2, यानी 5 स्क्वायर भी बोल, 5 to the power 2 भी बोल सकते हैं, -1 का पावर 19 इंटू -2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू -10 का पावर 3, 5 का पावर 2 इंटू 5 × 5 मतलब 25। अब यह देखिए 1 का पावर कितनों करेंगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस का पावर अगर ओड होगा तो माइनस होगा, लेकिन माइनस का पावर इवन होगा तो प्लस होगा, तो इसलिए माइनस रह गया। 2 का पावर 3 2 × 2 × 2 2 × 4 = 8, माइनस का पावर ओड तो होगा माइनस, 3 × 3 3 × 3 = 9, 10 × 10 × 10 3 0 हो जाएगा इसमें, क्योंकि और माइनस का पावर ओड तो ये भी माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे,
25 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 25 एट जैसे 200 है ना, 200 यहाँ छोटा करके लिखता हूँ ताकि वो मल्टीप्लाई से बचा रहे हैं। दो जीरो आया है ना, दो जीरो लिख देते हैं यहाँ, 25 एट जा 200 आया, अब ये 2 बचा, 9 टू जा 18 लिख दिए, ये सारा ख़त्म। अब ये तीन जीरो यहाँ था ये सब बैठा दिए, इतना सारा तो कर दिए। अब साइन चेक कर दिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस, प्लस प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया माइनस। ये सारा था, अगला बता रहे हैं आप फिर क्या करना है। टर्न नंबर में सारे एक ही वीडियो में कंपेयर करना है, तो इतना माइनस 3 प्लस 21 और यहाँ कंपेयर करना है 18 इंटू माइनस 3 प्लस 21, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, 18 था 54 माइनस और प्लस है 21, 54 देना है 21 है, तो 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और छोटा वाला है बड़ा वाला देना है तो माइनस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 18 माइनस, उसके बाद यहाँ सॉरी प्लस था 21 है 3 देना है तो हो जाएगा 19, कितना माइनस 19 सॉरी 19 नहीं 18 होगा क्योंकि 11 में 3 सब रखेंगे 8, हाँ 18 18 जा तो 18 18 जा 18 बन करना पड़ेगा, 8 8 64 4 हासिल 6, 8 8 8 8 16 16 और 20, 22 का 2 हासिल, 2 1 1 1 2 3 तो कितना आ रहा 3 2 4 माइनस इतना आ रहा, तो ये अलग ये अलग है, कौन बड़ा है तो ये बड़ा है, बराबर नहीं है कंपेयर करना तो ये बड़ा, सॉरी ये तो प्लस में है ना क्योंकि यहाँ बड़ा वाला 21 है तो ये प्लस इधर बड़ा होगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में। नंबर 11 का ए, फिल इन द ब्लैंक्स करना, देयर आर डैश इंटीजर फ्रॉम इतना टू इतना, इससे इतना के बीच कितना होगा था अभी जस्ट बताए थे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला है ना और फिर माइनस वन, शुरू में बताए थे माइनस माइनस प्लस 11 माइनस वन तो कितना होगा 15 माइनस वन तो हो जाएगा 14, तो इसका पहला वाला का आंसर 14 होगा। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ फ्रॉम बोला है लेकिन उसमें जो बोला था बिटवीन बोला था, वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, तो जब फ्रॉम बोलेगा ना इतना से इतना के बीच, तो यहाँ प्लस करते हैं, प्लस करते हैं तो हो जाएगा 16, लेकिन अगर बिटवीन बोलेगा तो माइनस करते हैं, यहाँ भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन को कहाँ तक खोजते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो था, द नंबर इंटीजर बिटवीन बोला, जब बिटवीन बोलेगा तो इसके इसके बीच में मतलब दोनों नहीं लेना है, लेकिन जब फ्रॉम बोला है ना यहाँ तो दोनों को लेना है, मतलब माइनस फोर भी लेना है 11 भी लेना है तो प्लस करते हैं यहाँ है ना, अगर बिटवीन बोलेगा तो मतलब ये माइनस करते हैं तो यहाँ 16 आंसर आएगा है ना, ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ गड़बड़ मत कीजिए। बी नंबर में, नेचुरल नंबर आर कॉल्ड डैश इंटीजर्स यानी पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ बोला नेचुरल नंबर जो होता है तो वो पॉजिटिव होता है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 से शुरू होता है, तो पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव पी ओ एस आई टी आई वी। सी नंबर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज, दोस्तों एडिटिव इनवर्स जितना होता है उसका माइनस होता है तो माइनस 6, जैसे माइनस 6 का बोलेगा तो प्लस 6, इसमें क्या ऐड करेंगे जो जीरो होगा, तो इसका मतलब यही यही वाला नंबर माइनस करके जोड़ देंगे जीरो हो जाएगा। अगला, द प्रेडिसेसर ऑफ, प्रेडिसेसर मतलब सक्सेसर, मतलब प्रेडिसेसर मतलब पहले और सक्सेसर मतलब बाद, सक्सेसर में एक बढ़ाते हैं प्रेडिसेसर में एक सब्ट्रैक करते हैं, तो 249 में एक और सब्ट्रैक करेंगे तो 250 हो जाएगा, माइनस 250 हो जाएगा। अगला, ये तो सोल्व करने वाला, सॉरी सोल्व इस करने वाला नहीं, ऐसे भरा जाएगा, देख लीजिए माइनस 2 यहाँ है इस पार नहीं है तो माइनस 2 भर देंगे, 7 ये देख लीजिए माइनस 2 और माइनस 7 है 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा इसलिए 3 लिख दिया, तो 3 इसमें होगा माइनस 2 और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ लिख दिया है और यहाँ होगा माइनस 7, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये जो होता है ब्रैकेट जो है इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई, तो ऐसा होगा यहाँ माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस 7 हो जाएगा। अगला है क्या करना है, इसके बाद जी,
द अपोजिट साइड इतना इज क्या होगा, अपोजिट इधर, तो 3 2 6 1 6 6 होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 6। तो 6 तो प्लस हो गया, फिर उसका बोला अपोजिट करना, तो इसलिए माइनस 6। देख लीजिए फिर से, पहले इतना का कैलकुलेशन करके जो आना था कि 3 2 6 1 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन इसका अपोजिट बोला इसलिए माइनस 6 एच नंबर में। उसके बाद है ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर डैश देन जीरो। जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, तो लेस देन जीरो, क्योंकि जितना भी माइनस होता है आई नंबर में, यहाँ कितना है 14, 14 से 7 हुआ, 7 से 0, इसका मतलब 7 घट रहा है, तो 7 और घटाएंगे तो माइनस 14, माइनस 21 इस तरह से जाएगा, माइनस 28 इस तरह से आगे चलते चले जाएगा। अगला है अब ट्रू फॉल्स आते हैं, इस पार नहीं उस पार है, 12 नंबर। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वही जो मोड लगा के बताया अभी, वो इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा तो नहीं लेकिन बड़ा होता है कभी कभी, तो ये फॉल्स है पहला नंबर ए। क्यों होता है तो वो देख लीजिए, अगर 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 4 होगा, लेकिन माइनस 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो भी 4 होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो इससे ये बराबर रह गया, इससे ये बड़ा है, तो यहाँ बोला अलवेज बड़ा ग्रेटर देन नहीं, समटाइम ग्रेटर देन समटाइम बराबर भी होता है, इसलिए फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 9 निगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव। 9 को निगेटिव करेंगे, अभी बताया अगर ओड से करते हैं मल्टीप्लाई तो निगेटिव ही रहता है, तो यहाँ बोला पॉजिटिव, तो ये भी फॉल्स है। सी, क्यूब ऑफ 11 हैज 1 इन इट्स यूनिट। मतलब 11 का क्यूब करेंगे तो एक प्लेस में 1 ही रहेगा, तो ट्रू है ना, क्योंकि 11 करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले 11 को 11 से करेंगे तो 1 1 2 1 होगा, फिर 11 से करेंगे तो कितना 1 3 3 1, मतलब वो यूनिट प्लेस में मतलब 1 ही रहेगा। डी नंबर में, द बेस इन 7 पावर 3 इज 3। दोस्तों 7 को बोलते हैं बेस और पावर बोलते हैं 3, तो यहाँ बोला है बेस 3 है, नहीं पावर 3 था, एक्सपोनेंट 3 था, इसलिए ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। ई नंबर में, 8 पावर 3 पर पावर 8 डिवाइड 3 पर पावर 5। हम बोलते हैं बेस सेम हो, 3 3 है, डिवाइड के फॉर्म हो तो पावर सब्ट्रैक होता है, तो 8 में 5 सब्ट्रैक करेंगे तो 8 में 3 होगा, तो ये ट्रू है ना, अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता तो 8 होता, इतना ही और भी है बाप, कितना सारा है इसमें। इसमें क्या करना, फिल द मिसिंग प्लेस प्रॉपर, ओ माय, तो ये तो बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये पिक्चर मैं कोशिश करके यहाँ बनाया हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करना है 3 से ये सब नंबर से, तो ये सही लिखे हैं, देख लीजिए मैंने कहा, तो अब देख लीजिए 3 3 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 9, तो प्लस में लिखते हैं 3 2 6 प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 3 3 1 3 माइनस इंटू माइनस प्लस लिखेंगे, 3 0 0 0 मतलब प्लस माइनस 25, 3 70 5 माइनस इंटू माइनस प्लस में लिखते हैं, हो गया ऐसा ही। अब इसका क्या ये भी बता रहा हूँ, पहले इसको बनाने दीजिए कैसे बनाएंगे। हाँ देखिए बना दिए, इसमें ऐड करना है कितना, 8 - 10 और इतना, तो -10 और -23 ऐड करेंगे तो -33, फिर -10 और -100 यहाँ +100 तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस -20, यहाँ भी 90 और यहाँ माइनस करेंगे 8 तो -100, 0 में ऐड करेंगे तो -10 ही होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त कैसे कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।